के चतुर स्तंभ हो। मेरे पास आज शब्द नहीं है, अंदर से आत्मा रो रही है। भाषण का समय नहीं है, मैं बाइट भी नहीं दे पा रहा हूँ। एक बेटी गई है, ये बेटी गई है, उस बेटी के लिए हम रो रहे हैं, हम उस बेटी के लिए परेशान हैं। वो बेटी जिंदगी और मौत से जूझती रही, उसको सफदरगंज और एम्स में क्यों नहीं ले जाया गया। आज पूरा समाज हाथरस का रो रहा है, कोई पार्टी नहीं है, हाथरस की बेटी है और कोई जाति धर्म नहीं है। उस बेटी को न्याय चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? अरे शर्मानी चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। अरे सरकार शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्या कहूँ, मेरे पे शब्द नहीं है, बस आज प्रार्थना है उस बेटी की आत्मा को शांति दे। देखिए कुछ लोगों ने यहाँ पर रास्ता जाम करने का प्रयास किया, जिसको पुलिस और प्रशासन ने समझा बुझा के सभी के सहयोग के साथ खुलवा दिया गया है। और सभी को आश्वासन दिया गया है और विश्वास हम दिला रहे हैं कि इसमें निष्पक्ष रूप से कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। चारों अभियुक्त गिरफ्तार हैं, सहयोग की राशि दी जा चुकी है और आगे भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले को ले जाने की बात है, उसकी तरफ भी प्रयासरत है। जो भी सहयोग पुलिस प्रशासन को बन पड़ेगा, पूरा सहयोग किया जा रहा है और आगे भी सहयोग जारी है। सर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने राहगीरों से मारपीट भी की है। देखिए मुझे लगता है मारपीट की ऐसी कोई घटना हमारे संज्ञान में नहीं आई है और सभी को मुझे लगता है शांति व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और अगर अपनी कोई बात है तो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात साझा करनी चाहिए। आपको इसमें कोई ज्ञापन दिया गया, आपको कुछ बातें बताई गई हैं, ये जो सैकड़ों की संख्या? देखिए ज्ञापन अलग से कोई नहीं दिया गया है, दो तीन उनकी मुख्य मांगे थी कि जैसे सभी अभियुक्त गिरफ्तार हों, गिरफ्तारियाँ लेकिन पहले ही हो चुकी हैं। सहायता राशि की उन्होंने बात उठाई है तो सहायता राशि की पहली किस्त दी जा चुकी है, दूसरी किस्त जैसे ही चार्जशीट फाइल होगी जल्दी फाइल होने वाली है, दूसरी किस्त की दी जाएगी और तीसरी उनकी मांग थी फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर, तो उस पर भी कार्रवाई की जा रही है।